दिल्ली नगर निगम के 12 जोन में वार्ड समिति के चुनाव और साथ ही 4 सितंबर को होंगे एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव। और चुनाव के लिए आज दर्ज होंगे नामांकन, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उम्मीदवार करवा सकेंगे नाम दर्ज। आप और बीजेपी में इस चुनाव को लेकर बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उम्मीदवार करवा सकेंगे नाम दर्ज और चुनाव के लिए आज दर्ज होंगे नामांकन। 4 सितंबर को होंगे एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव और दिल्ली नगर निगम के 12 जोन में वार्ड समिति के चुनाव होंगे। 4 सितंबर को होंगे एमसीडी वार्ड समिति के चुनाव और साथ ही चुनाव के लिए आज नामांकन दर्ज होंगे। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उम्मीदवार करवा सकेंगे नाम दर्ज। आप और बीजेपी में इस चुनाव को लेकर बड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली नगर निगम के 12 जोन में वार्ड समिति के चुनाव होंगे। 4 सितंबर को एमसीडी वार्ड के चुनाव होंगे, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं से खबर पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल जुड़ चुके हैं। विशाल लगातार बने हुए हमारे साथ। विशाल, दिल्ली नगर निगम के 12 जोन में वार्ड समिति के चुनाव होंगे और 4 सितंबर को ये चुनाव होंगे, चुनाव को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी सोनिया, दिल्ली नगर निगम में जो ये 12 जोन के चुनाव होने हैं, लगभग 20 महीनों से इसका रोड़ा अटका हुआ था। लगातार बीजेपी जो है इसका विरोध करती नजर आ रही थी क्योंकि आम आदमी पार्टी चाह नहीं रही थी कि ये चुनाव हो, लेकिन अब जो है एमसीडी ने फैसला ले लिया है कि 4 सितंबर को इसके चुनाव होने हैं और आज यानी 30 अगस्त को सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक जो है अपने 12 जोन के सभी उम्मीदवार नामांकन दर्ज करा सकेंगे दिल्ली नगर निगम में। और आज जो है ऐसी उम्मीद जताई जा रही है क्योंकि कल हमने देखा आम आदमी पार्टी के जो पार्षद थे उन्होंने 4 दिन में ही बीजेपी ज्वाइन करी और वापस से आम आदमी पार्टी कल ज्वाइन कर ली। उन्होंने ये वादा दिया कि उनके सपने में जो है सीएम केजरीवाल आए थे और उन्होंने कहा था कि आप मनीष सिसोदिया के साथ लगे रहिए, तो ऐसा तर्क उन्होंने दिया, विवादित तर्क दिया, जिसके बाद से बीजेपी पूरी हमलावर है। और आज देखना रहेगा जो उम्मीदवार अपने नाम दर्ज करते हैं क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया जो है गुप्त तरीके से होने वाली है, तो सामने जो भी रिजल्ट आता है ये काफी जो है अचंभित करने वाला होगा क्योंकि 4 सितंबर को रिजल्ट आएगा इससे पूरा दिल्ली नगर निगम का समीकरण है वो जो बदल जाएगा क्योंकि नगर निगम में सरकार जरूर आम आदमी पार्टी की है लेकिन ये जो स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव होने अगर इसमें भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो कहीं ना कहीं दोबारा नगर निगम में वो आर पार का मुकाबला देखने को मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी पर ज्यादा मेजोरिटी आ जाएगी क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी अपने आप में ही काफी बड़ी चीज है नगर निगम के लिए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एल्डरमैन का फैसला भी जो है वो भी सुना दिया था जिस पर भी आम आदमी पार्टी ने विरोध जताया था और अब ये जो है वार्ड जोन के चुनाव होने हैं, 12 जोन के चुनाव होने हैं, आज इस पर नामांकन दर्ज किए जाएंगे। देखना रहेगा 4 सितंबर को जो चुनाव होंगे तो क्या कुछ पूरा समीकरण रहने वाला है। सुनिए जी।